कोरोना से लड़ना है तो पेट में अन्न भी होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम और भी लोग, कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो वॉलंटियरिंग करेंगे। तीन गरीबों के लिए खाना दिया गया है और ये गाड़ी जो है बिल्कुल भरी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गाड़ी 5 किलो आटे से और कई सारे साजो सामान ऐसे हैं जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि संगाराम बुद्ध विहार पे हम लोग खड़े हुए हैं इस टाइम, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी गाड़ी भरी हुई है, आटो से भरी हुई है। मैं खड़ा हूँ ईस्ट ऑफ लोनी रोड पे संगाराम बुद्ध विहार के सामने, और अपोजिट में ज्योति नगर थाना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कई सौ किलो के तादाद में आटा, दाल, चीनी और भी तमाम चीज़ें जो हैं वो बांटी जा रही हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, सर कितना सामान है और कहाँ बांटने जा रहे हैं आप? सर अभी तक हम और संजय जी जो है कम से कम 5 क्विंटल आटा बांट चुके हैं, और आज हमारे पास कम से कम 1 क्विंटल आटा है, और 1 क्विंटल आटा आगे पड़ा है और 1.5 क्विंटल पीछे, 2.5 क्विंटल आटा आज हम लेके जा रहे हैं अजमेरी गेट में। जो बहुत ही बंदेवर लोग हैं, जीवी रोड एरिया के लोग हैं, उन लोगों के लिए हम आज कर रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे 40 झुग्गियों को मैंने और संजय मोहंती भाई ने गोद लिया है। कैलाश कॉलोनी में जो नेपाली कॉलोनी है उसमें हमने SHO के साथ मिल करके, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम उनके घर में राशन पहुँचाते रहेंगे। इसमें हम 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, मिर्च, मसाला, धनिया और उसके साथ साथ जो भी उनकी नेसेसरी, उनकी नीड की चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम उन तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें हमारी भूमि में हम किसी को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हर झुग्गी पे हर व्यक्ति के घर पे जाकर के दे के आ रहे हैं, ताकि इसमें जो सोशल डिस्टेंस की बात कही जा रही है वो बनी रहे। उस सोशल डिस्टेंस को बनाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि ये चीज़ कोरोना से जो सरकार के जो मुहिम है और हम उसके साथ हैं और वो सब। आप ये कहाँ बांटेंगे? आज हम जो बांटने जा रहे हैं दिल्ली का रेडलाइट एरिया जीबी रोड में बांटने जा रहे हैं। वहाँ पे कम से कम 2500 लड़कियाँ हैं, उन लोगों को हम राशन पहुँचा रहे हैं। आज हमने पहली बार वहाँ स्टार्ट किया, 2.5 क्विंटल आटा जा रहा है इसमें, बाकी चीनी, तेल, आटा और उनके नेसेसरी मसाले हैं और जो भी सामान है वहाँ पर लेके जा रहे हैं, वो हम वहाँ बंटवा रहे हैं। इससे पहले हमने पूरे अपने एरिया में बांटा है। मित्तल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जिसके पास भी 2 रोटी एक्स्ट्रा है और दूसरे बंदे को आसपास जो भी भूखा पड़ा हुआ है उसको दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। और मोदी जी का जो लॉकडाउन, हमारे देश में जो गरीब झुग्गी झोपड़ी और दिहाड़ी मजदूर है सब भूखे ना रहें, और खुशी खुशी ये लॉकडाउन और ये कोरोना बीमारी से हमारा देश मुक्त हो जाए। बिल्कुल, हमारा देश जो है वो कोरोना से लड़ रहा है और लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। हमें लड़ना है, सुरक्षा से लड़ना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन में और जो भी यहाँ पर लोग पीड़ित हैं या पीड़ित नहीं है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर ईस्ट ऑफ लोनी रोड पे पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट बाबा चाय बेचने का काम करते हैं, और चाय बेचने के साथ साथ अपनी जीविका चलाते हैं। पर बाबा ने एक काम और किया है कि वो अपनी उसी चाय के केतली में जो थर्मस है उनका, उसमें गर्म पानी सब लोगों को पिला रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए गर्म पानी ज़्यादा बढ़िया है। ये क्यों पिला रहे हैं आप लोग? जिससे बॉडी गर्म रहे, वो जो कोरोना का कीड़ा है मर जाता है। चाय हो, काफ़ी हो, गर्म पानी हो, वो पीने से 4-5 दिन तक नहीं रहेगा ये जी। तो आप ये अपनी जीविका छोड़ के अब ये पानी पिला रहे हैं सबको? हाँ, पानी पिला रहे हैं, इससे बढ़िया कोई पुण्य का काम नहीं है जी। जी, बाबा ने बहुत अच्छा बोला कि इससे बढ़िया पुण्य का काम नहीं है, और गर्म पानी पिला रहे हैं सबको। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको और, कि संगाराम बुद्ध विहार के बिल्कुल बराबर में मित्तल मेडिकोज है, और मित्तल मेडिकोज की एक खासियत आज ये दिखने को मिल रही है कि जिसके पास सैनिटाइज़र या मास्क नहीं है, गरीब आदमी है जो लेने में असहाय है, उसको देने का भी काम कर रहे हैं।